कोरोना वायरस की लहर दुनिया के जिन देशों पर कहर बरपा रही है उनमें फ्रांस भी शामिल है। संक्रमितों की फहरिस्त में पांचवें पायदान पर काबिज फ्रांस के हालात और बिगड़ रहे हैं। जिस तादाद में कोरोना के नए केस दर्ज हो रहे हैं उसी अनुपात में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ताजा आंकड़े डराने वाले हैं। फ्रांस में 48 घंटे में 1000 कोरोना संक्रमितों की मौत दर्ज की गई है। फ्रांस में फिर दहशत, विषाणु बन गया आफत। 48 घंटे 1000 मौत, कोरोना की जानलेवा डोज। वायरस ने ढाया कहर, संक्रमण की नई लहर। मुसीबत में फ्रांस, वैक्सीन की आस। कोरोना वायरस संक्रमण की लहर वापस आ गई है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भी इस लहर से कांप रही हैं। वैक्सीन को लेकर दावे हो रहे हैं, लेकिन कोरोना किलर वैक्सीन के मार्केट में आने से पहले इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वो कई मुल्कों की तबाही के संकेत दे रहे हैं। बात उस फ्रांस की, जहां अब तक कोरोना वायरस से जुड़े केस को लेकर सख्ती और एहतियात ने संख्या सीमित रखी थी, लेकिन नए केस और मौत की दर्ज संख्या बता रही है कि फ्रांस पर नए सिरे से संकट खड़ा हो गया है। फ्रांस में अब तक जिस वायरस के संक्रमण पर नकेल कसकर रखी गई थी वो बेलगाम होता नजर आ रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ना तो दूसरा पहलू है, लेकिन महज 48 घंटे में इस सीमित आबादी वाले देश में 1000 से ज्यादा लोगों की जान वायरस ने ले ली है। देश के हालात पर नजर डालने से पहले कोरोना के रिवर्स गियर की पुष्टि करने वाले आंकड़े देखिए। फ्रांस में 30 नवंबर को 4000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इसी दिन 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 1 दिसंबर को 8000 से ज्यादा नए केस दर्ज हुए। इसी दिन 450 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ये वो संख्या है जिनमें संक्रमित नर्सिंग होम, अस्पतालों के अलावा घरों में आइसोलेट किए गए थे, जबकि मौत की तादाद उन लोगों की है जो सिर्फ अस्पताल या नर्सिंग होम में भर्ती थी। इन आंकड़ों के साथ ही करीब 6.5 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 22,30,000 से ज्यादा संक्रमित दर्ज हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 53,500 के पार पहुंच गया। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, ये भी जानिए। फ्रांस संक्रमण के मामले में पांचवें पायदान पर है। यहां स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर छूट मिली है। ज्यादातर लोगों ने छूट का गलत फायदा उठाया। बाजारों में भीड़ जुटी और संक्रमण फैलने लगा। स्कूल और दूसरे संस्थानों से भी वायरस फैला। लेकिन इस गलती का खामियाजा अब पूरे फ्रांस को भुगतना पड़ रहा है। हर दिन संक्रमितों के साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। बावजूद इसके अब तक छूट से संबंधित किसी भी तरह की सख्ती को लागू नहीं किया गया। मुमकिन है कि ऐसे हालात में ये संख्या और ज्यादा ना बढ़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।